ठीक है, चलो फिर स्टार्ट किया जाए, है ना। ओके, पहला सवाल। सब पूरे जोश में, चिरंतन साइलेंस में, क्वेश्चन नंबर 52। पहला सवाल लेवल टू से, क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा आपके स्क्रीन पे। इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस टी टी प्लस सी, है ना। ओके, देन प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू के इंटू डी वाई अपॉन डी टी। बाय द वे डी एक्स स्क्वायर नहीं, डी टी स्क्वायर। ओके, सब बुक में ध्यान दे दो। तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बोर्ड में ध्यान दो, और अगर इनकेस की क्वेश्चंस किसी के सामने नहीं है, बुक तो पहली बात खोल के बैठो अपने सामने। इनकेस अगर किसी के पास बुक नहीं है तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई अपडेटेड बुक से जल्दी से कुछ फोटोज वगैरह ग्रुप में भेज दे ताकि सब टैली हो जाए, है ना। कोई एक जन भेज दो, कोई एक ही जन भेजना। अलका तू भेज, अलका तू भेज दे। प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। बहुत ही अच्छा सवाल। और क्या दिया हुआ है? वेर एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बढ़िया से देख, यही है अपना सवाल। एक वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है ई टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस पी टी प्लस सी, और आपको को ये प्रूव करना है। ढंग का सवाल। सवाल क्यों उठाया? दो तीन बातें। सवाल क्यों उठाया? पहली बात, सवाल उठाया इसलिए कैलकुलेशन हेक्टिक सवाल भी है, लेंदी सवाल भी है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा टेक्निक्स इधर भी मतलब चेंज करना पड़ता है वाई रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं। यू इंटू बी, राइट। सो तुम्हें पता होगा यू इंटू बी, या फिर डी वाई बाई डी टी लिख देता हूँ। डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ए, बढ़िया से देखना, ई टू द पावर माइनस के टी इंटू माइनस पी साइन पी टी प्लस सी प्लस कॉस पी टी प्लस सी इंटू माइनस के इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ये अपना क्या है? ये अपना डी वाई बाई डी टी। कुछ अच्छे से देखे देखा जाए इसको, हमारा इसको थोड़ा अच्छे से देखा जाए तो अपने को पता चले, ये ना माइनस एपी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, है ना, इंटू साइन पी टी प्लस सी। और वो, अरे गलत तो नहीं किया, सही किया, एकदम सही है, एकदम सही है। और उसके साथ ये एंड माइनस ए के इंटू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस पी टी प्लस। बहुत ध्यान से देखो तो क्या पता चलेगा तुमको। अरे ये के को हटा दे अलका, तो तुझे नहीं लगता ये वाई ही है? बाकी वाई वाई देख, तो इसको क्या लिखा गया? इसको वाई वन लिख देता हूं ना। वाई वन इक्वल्स टू माइनस ए पी ई टू द पावर माइनस के टी इंटू साइन पी टी प्लस सी माइनस के वाई वन के वाई लिख देता हूँ, है ना। अच्छा, एक बार और डेरिवेटिव मार देते हैं। ओके, तो अगर एक बार और डेरिवेटिव मारा तो ये तो आ जाएगा वाई टू, और यहाँ पे फिर यू इंटू बी चलेगा, माने माइनस ए पी को बाहर रखो तो चीज तो क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस के टी इंटू पी कॉस पी टी प्लस सी प्लस साइन पी टी प्लस सी इंटू माइनस के इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, है कि नहीं। और ये अपना माइनस के वाई है। बहुत बढ़िया, इसे थोड़ा और खोल तो तुझे नहीं लगता यहाँ पे जो वाई टू के बगल में ये है, देखिए शायद माइनस ए पी स्क्वायर आ रहा है, और ए को हटा दे तो तुझे नहीं लगता ये माइनस पी स्क्वायर के साथ ये तो वाई है,
देख देख माइनस वी स्क्वायर के साथ तो वाई है। अच्छा बहुत बढ़िया, और वो माइनस एपी इधर इंटू मार, तो देख शायद आएगा यहाँ पे प्लस एपी के, एपी के मतलब वो एपी के नहीं भाई, प्लस एपी के ई टू दी पावर माइनस के टी इंटू साइन के टी प्लस, और ये रहा अपना माइनस के वाई, ये तो अपना पड़ा हुआ है। अच्छा सही है, तो फिर क्या ध्यान गया मेरे को, इस लाइन में मेरा ध्यान गया, इसे इक्वेशन नंबर वन मान लिया, और मैं तो कहता हूं इसे इक्वेशन नंबर टू मान। तो जब मैंने ऐसा किया मुझे यहां पे क्या दिखा, ये देखो 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 यहां पे माइनस एपी, इसका मतलब बहुत ध्यान से देखो वाई टू इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई। अच्छा यहाँ पे माइनस एपी को रखने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस एक के रखना पड़ेगा, ताकि मैं ब्रैकेट में एक माइनस एपी रखू इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी इंटू साइन पी टी प्लस टी रख लू, सही है, और माइनस अपना के वाई वन जो था सो। अच्छा यहां से देख तो ये पूरा टर्मिनोलॉजी तो को लिख सकता हूं क्या, वाई वन प्लस के वाई, वाई वन प्लस के वाई लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दे तो यही है। तो यहां पे क्या आया y2 इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर वाई माइनस के इंटू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो y1 प्लस के वाई है क्या, ओके माइनस के वाई वन, ओके। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन किया तो हमें क्या पता चला y2 इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर वाई और इसके साथ ये इंटू होगा तो के माइनस टू के वाई वन आ रहा है देख ले, और एक आ रहा है माइनस के स्क्वायर वाई। ओ ऐसी बात है, तो सबको उधर लेके चला गया तो क्या मिला मुझे वाई टू प्लस टू के वाई वन प्लस ब्रैकेट में शायद मिला होगा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। अरे पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का एन स्क्वायर है, तो ये आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू के इंटू वाई वन मतलब डी वाई बाई डी टी प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अरे आ गया क्या, बहुत ही शानदार सवाल, जितना आराम से मैंने किया उतना आराम से ये होगा नहीं, बहुत ही शानदार सवाल, समझ आए तो बोलो। क्या मैं तुम लोगों को एक फोटो भेज दूं सवाल का, अरे चिरंतन मैंने तेरा मन का बात पढ़ लिया चिरो मैंने तुम्हारा मन का बात पढ़ लिया, ओके कुछ समझने का है तो देख लो, या फिर समझने समझाने का तो मेरे को लगता नहीं है कि कुछ है, क्योंकि मैंने तो बस यू इंटू वी करते चला और वाई से सब्स्टिट्यूट मारते चला, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपना दूसरा सवाल की ओर। वैसे मैं ग्रुप में तुम लोग का फोटो तो शेयर किया हूं, तुम लोग उसको भी देख सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, बस चेंज ही तो करते गया हूं मैं। दूसरा अच्छा सवाल, क्या बोलते हो आगे बढ़े क्या, ओके सो दूसरा अच्छा सवाल, हाँ 49 नंबर, ये 49 नंबर मेरे को आयुष इट मींस आयुष कुमार मेरा बुक से, तो भाई 49 नंबर ये मुझे कहता है y equal to a sin 3x plus b cos 3x satisfies the equation, कौन सा इक्वेशन भैया, satisfies the equation d square y upon dx square plus 4 into dy upon dx plus 3y equals to 10 cos 3x, then find the value of
ए एंड बी। सवाल ये है, अगर ये y का वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मुझे a और b का वैल्यू बताओ। नॉर्मली तुम्हें ये इस तरह का सवाल मिलता नहीं है, इट्स वन ऑफ द रेयर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नॉर्मली अपने को सवाल क्या रहता है, y दिया रहता है, आपको प्रूव दैट बोलता है, लेकिन इधर तो सेटिस्फाइज बोला है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन, ये फंक्शन जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मुद्दे की बात है, अपने आपको वही सब निकालना है। चलो निकालते हैं, y अपने पास है आयुष, क्या हम लोग y में निकाल सकते हैं, विच मीन्स dy by dx। अगर मैं गलत नहीं हूं तो dy by dx है 3a cos 3x minus 3b sin 3x। बोलो क्लियर है क्या? एक नंबर इक्वेशन d square y upon dx square, चलो अगर मैं गलत नहीं हूं तो minus 9a sin 3x minus 9b cos 3x। और ये दोनों को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर, आई पुट दिस इक्वेशंस, आई मीन दिस वैल्यूज इन दिस फंक्शन, देन आई कैन गेट माइनस 9a sin 3x minus 9b cos 3x, ये d square y upon dx square था, plus 4 into, what about that one, 3a cos 3x minus 3b sin 3x, okay, plus 3y, which means that one, a sin 3x plus b cos 3x equals to what, 10 cos 3x। अच्छा मैं एक बात पूछू अलका तेरे से, 10 cos 3x plus 0 into sin 3x लिख सकता हूँ क्या? अरे ऐसे ही लिख दिया मेरा मन। अब एक काम करना, यहाँ पे जितने भी cos 3x है सब भाई बहनों को एक ब्रैकेट में लो, सारे cos 3x के भाई बहनों को एक ब्रैकेट में लो, cos 3x मतलब यहाँ पे एक आएगा माइनस 9b और इधर एक आएगा प्लस 12a, यहाँ इधर और एक इधर आएगा शायद प्लस 3। अच्छा sin 3x वालों को ब्रैकेट में लो, sin 3x वालों को उधर एक माइनस 9a है और इधर एक माइनस 12b है और इधर एक प्लस 3a है कि इक्वल टू यहाँ पे 10 cos 3x प्लस 0 into sin 3x। इतना देर में आई हो तुम लोगों को समझ में आया कि मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ? Shall I compare the coefficients by comparing the coefficients of cos 3x and sin 3x? We get actually अपने को दो वैल्यू चाहिए। मेरे दिमाग में ये आया कि अगर दो वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है दो इक्वेशन होगा, क्योंकि दो इक्वेशन को दो अननोन से सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएंगे। So where do I get the two equations? एक तो एक यहाँ पे तुम ध्यान से देखो और नो, तो यहाँ पे 12a minus 6b equals to 10 एक इक्वेशन है cos का coefficient, और एक यहाँ पे आदित्य minus 6a minus 12b equal to 0 एक इक्वेशन। बहुत अच्छे से इसे सॉल्व किया तो अपने को पता चला a equal to minus 2b, I got a equation, and इसको सॉल्व किया तो पता चला 6a minus 3b equals to 5। I put this value here, value of a, what do I get, minus 12b minus 3b equals to 5, and by solving I get minus 1 by 3 is the value of b. I put it back here, I get a equals to plus 2 by 3. Any problem with the values? बोलो आया समझ में? भेज देंगे, मैं तो भेज ही दूंगा, मैं अपना काम करूंगा 100% करूंगा। तीन बार, एक बार दो बार तीन बार डेरिवेटिव मारना है।
आपको। चलो एक वाई वन हो जाए डी वाई बाई डी एक्स, कैसे करेंगे चेन रूल। देख शायद मैं गलती ना करूं, वन प्लस कॉस एक्स, वन बाई वन प्लस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। अरे सही किया क्या? सो डी वाई बाई डी एक्स अपने को क्या मिला, माइनस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। मैं तो कहता हूं इसे छोटा कर लो, सब मल्टीपल माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिख सकता हूं क्या, डिवाइडेड बाय। ओके ठीक है कोई बात नहीं, मैं भेज रहा हूं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, एक टू कैंसिल आउट एक कॉस कैंसिल आउट। सो डीवाई बाई डी एक्स अपने को क्या मिला, माइनस टेन एक्स बाई टू। कितना छोटा हो गया डीवाई बाई डी एक्स। ओके देन व्हाट अबाउट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा शायद देख तो माइनस सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू। हाँ ये तो होगा, ये डी वाई बाई डी सी क्वेश्चन नंबर वन, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन नंबर टू। अरे चेन डी टेन टी का सिक्स बाई टी होता है ना, अब टी था एक्स बाई टू का तो इंटू वन बाई टू चेन रूल जाएगा। करेक्शन एक बार और, अरे बाप रे एक बार और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। देख माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है सामने ले लिया, ओके और सिक्स स्क्वायर एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको टी स्क्वायर पकड़ लो तो पहले टू टी आएगा, मतलब टू इंटू सेक एक्स बाई टू फाइन इनटू किसको टी पकड़ रहा था, sec x by 2, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, तो मतलब एक आएगा sec x by 2 into tan x by 2 आएगा ना, into एक half भी आएगा शायद क्योंकि x by 2 हुआ था। ओके सो ये half और ये 2 कैंसिल आउट है, बट यहाँ पे एक half है, सो इट वुड बी देख शायद माइनस 1 by 2 into sec sec square x by 2 इंटू टेन एक्स बाई टू। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये थर्ड ऑर्डर है ना। ओके एक दो तीन निकल गया, अब एलएचएस में आप पुट करो, एलएचएस में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये रहा, इसको पुट किया माइनस वन बाई टू इंटू sec स्क्वायर x बाई टू इंटू टेन एक्स बाई टू है ना, प्लस सेकेंड ऑर्डर वो रहा फर्स्ट ऑर्डर वो रहा माइनस माइनस, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके बैठा माइनस माइनस प्लस हाफ sec स्क्वायर x बाई टू इंटू टेन एक्स बाई टू। ये देखिए पूरा कट ही गया है भाई जीरो, बोलो क्लियर है क्या। देख तो जरा क्लियर है क्या, ओके और एक सवाल करते हैं, कितना सवाल हुआ वैसे तीन, ओके एक और सवाल करते हैं। अच्छा हाँ ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, नहीं 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 ये वाला नहीं कर, ना ये भी सही है। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये वाला कर रहे तो देखिए थोड़ा बहुत कुछ टफ है क्या। लेवल टू का 48 नंबर, x equals to a sin t, आ जाओ करते हैं x इक्वल्स टू ए साइन टी माइनस माइनस बी कॉस टी। रोहित समझ में तो आ रहा है ना, y इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी है ना,
27 करिए, ओके ये वाला कर लूँ उसके बाद 27 करता हूँ, है ना, ओके जरूर करूंगा 27, ये वाला कर लूँ उसके बाद करूँ। अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसा तुम लोग बोलते हो तो अच्छा लगता है, पता है, ये वाला करिए वो वाला करिए, तुम लोग भी बोला करो। अकेला मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, पता नहीं कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ। तुम लोग से सुन लेता हूँ तो अपने को दिमाग में जाता है कि अच्छा बोला है ये वाला करना है, ओके आ जाओ, वरना अपना ही मगन में करते रहता हूँ दो तीन। चलो तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स बाई डी टी तुम लोग को आता है, डी एक्स बाई डी टी ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। सिंगल नहीं है आज को राज, अच्छा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, ओके इक्वेशन नंबर टू। तो दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, है ना, तो डिवाइड किया तो मुझे क्या पता चला, डी वाई बाई डी एक्स आएगा शायद माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस होल डिवाइडेड बाई ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। अरे बहुत अच्छे से देखेंगे तो ये ऊपर वाला शायद देख, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये ऊपर वाला x है, आई मीन टू से माइनस x और नीचे वाला y, तो dy वाई बाई डी एक्स क्या मिला, माइनस x बाई वाई। अच्छा एक बार और लगा देंगे इसका, एक बार और चला देंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा y इंटू माइनस वन x का माइनस मैंने प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई को डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। देखा अगर मैं गलत हुई तो ये आएगा, सो डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बैठा देते हैं माइनस वाई प्लस x इंटू माइनस एक्स बाई वाई बाई वाई स्क्वायर। अब ये लेवल टू का क्वेश्चन था, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या टाइम पास है तेरा, 27 नंबर टू करते हैं, इसे क्या सवाल है। तुम लोग को ये समझ में तो आया ना 27 नंबर, लेट मी सी, अच्छा ये वाला सवाल, ओके आओ करते हैं। अमान आदित्य तुम लोग समझ तो रहे ना, बीच बीच में रिस्पॉन्स देते ना, इसका होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट अच्छा शो दैट जो भी है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस आयुष कुमार प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू, ऐसा अपने को प्रूव करने बोला है, कोई अपना कुछ नया नहीं, इसको शुरू करो डी वाई बाई डी एक्स, इसको टी पकड़ लो तो टी स्क्वायर का आएगा टू टी, मतलब टू इंटू लॉग इन टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा अब लॉग वाले को चेन रूल, चेन रूल लॉग वाले को टी पकड़ा था तो लॉग टी का आएगा वन बाई टी वन बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेटिंग अब ये जो इसको टी पकड़ा था इसका डेरिवेटिव आएगा वन प्लस रूट टी का आएगा वन बाई टू रूट अंडर टी और किंतु फिर उसके अंदर का टी का आएगा टू एक्स। बोलो क्लियर, तो एकदम मस्त पार्टिकल लेवल तक जाके आपको यू चेन रूल चलाना है टू टू का टाइम। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा,
2 into log x plus root under x square plus 1 into 1 upon x plus root under x square plus 1 into x square plus 1 का अगर LCM टर्म हो तो न्यूमरेटर कहलाएगा x square plus 1 plus x, जिसको हम लोग फ्यूचर में इसका डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। तो चीज को कहां पे खड़ा हुआ है, इसको y1 y1 equals to 2 log x plus root under x square plus 1 whole divided by root under x square plus 1। सैड यहां पे खड़ा हूं और दिमाग में ये सोच रहा हूं क्यों ना इसे स्क्वायरिंग करूं। सवाल नंबर एक, ऐसा क्यों सोचा? इसको सोचने से मेरा दो फायदा है, एक तो स्क्वायरिंग करूंगा तो नीचे का रूट हटेगा, वो 1 plus x square को उधर मल्टीप्लाई कर पाऊंगा क्योंकि मेरा प्रूफ दैट ऐसा दिखता है, एक रियलिटी। दूसरा, अगर उसे स्क्वायरिंग किया तो log of x square x plus root under x square plus 1 का होल स्क्वायर, उस चीज को मैं y बोल सकता हूं। दूसरा फायदा, करते हैं स्क्वायरिंग। सो स्क्वायरिंग में आया 1 plus x square into y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, डायरेक्टली को मैं 4y, एक स्टेप जंप किया थोड़ा सा, दोनों समझे तो 4y कैसे लिखा रहे, 2 का स्क्वायर 4 और इसका तो y है। अब इसको u into u चला 1 plus x square। अब तुम लोग में से कितने लोग मेरे से इस बात से सहमत हो कि y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 into y1 into y2, करेक्शन में चेंज रूल, प्लस y1 स्क्वायर into 2x, बोलो क्लियर, इक्वल्स टू 4y का होगा 4y1। ओके, दोनों तरफ से 2y काट दे, 2y1 कॉमन लेके काट दे दोनों तरफ से, तो क्या आएगा 1 plus x स्क्वायर into y2 plus x y1 equals to 2। अरे आ गया क्या, अरे आ ही तो गया, चलिए बोलो क्लियर है, क्या होना चाहिए क्लियर। ऐसे तुम लोग सवाल बोले ना तो मेरे को मजा आता है ना, वरना मैं इधर भावनाओं में बह जाता हूँ थोड़ा हल्का, पता नहीं किधर किधर घुस जाता हूँ मैं। चिरंतन साथ देते तो क्या बात है। सही है क्या? सो मच सब सीधे बैठो, अरे सब सो मच। मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, पहले का जमाने का जो साइंटिस्ट लोग था ना, वो लोग के पास, साइंटिस्ट बोलो मैथमेटिशियन बोलो जो भी बोलो, उनके पास खा पी के बहुत फालतू टाइम था, ठीक है, क्या था, बहुत फालतू टाइम था। एक बंदा था, उसका नाम था रोल, हाँ जो एग्रोन चिकन रोल खाते ना वही वाला था। तो वो एक दिन ऐसे ही अपना घर में बैठा हुआ था, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अच्छा हम लोग बचपन में स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या सीखे। तो उसने पांडे को पूछा, हालांकि पांडे आज है नहीं, बट चलो पांडे एक अच्छा एस्पेक्ट है जिससे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो पांडे उसके पास गया था मिलने के, उसने पांडे को पूछा कि हम लोग बचपन में स्लोप कैसे निकाल देते। तो पांडे बोला कि सर हम लोग खाक पढ़ाई किए जो हमको पूछ रहे हैं। तो फिर भी पांडे बहुत मेहनत से मुश्किल से बोला कि सर वो एक फॉर्मूला नहीं आता था स्लोप का, स्लोप का एक फॉर्मूला आता था जो बचपन में सीखे थे, y2 minus y1 by x2 minus x1। तो रोल ने बोला कि अच्छा सही बात है। तो रोल ने बोला कि पांडे एक काम करो, एक fx उठाओ, क्या उठाओ, फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन उठाओ और उस फंक्शन का एक ग्राफ बनाओ। जैसे मान लो मैंने ऐसा कोई ग्राफ बनाया, उधर नहीं बनाता, उधर तो अच्छा से बनाना पड़ेगा, इधर रफ लीजिए। उसने बोला कि ऐसा कोई भी एक ग्राफ हो ऐसे ऐसे, और उसने पूछा पांडे को कि ये देख ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है ना, बढ़िया सुनना काम, बहुत मजेदार है, ये एक इनिशियल पॉइंट है ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने बोला x equal to a, ऐसे x एक्सिस में एक पॉइंट हो ही सकता है, इसको बोला x equal to b। तो उसने बोला पांडे इस पॉइंट का, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोल सकते हैं
अगर ये fx होता है y equal to fx, बात को समझना। अगर इसे मैं y equal to fx बोलता हूँ तो तुम लोग में से कितने लोग मेरे से इस बात से सहमत हो कि सर ये कोऑर्डिनेट को आप a comma f of a बोलिए? अरे बोल सकते हैं क्या a comma f of a? अरे पॉइंट होता है x comma y, x का वैल्यू तो a है और y ही तो fx है, f of a ही y हो जाएगा ना। अरे समझ में आना चाहिए यार, इजी चीज पढ़ा रहा। और इस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोल सकते हैं b comma f of b। तो तुम लोग में से कितने लोग मेरे से इस बात से सहमत, बोलो क्लियर है क्या? ओके, पांडे भी सहमत था। तो फिर उसने बोला, उस रोल जो रोल नाम का जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि पांडे काम कर, हम लोग को पता होता है दो पॉइंट को जॉइंट करने से एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो पांडे ने बोला हाँ सर मिलता है, और उस लाइन का एक स्लोप भी होगा। तो पांडे ने बोला हाँ सर होगा जरूर। तो वो बोला कि उस लाइन का स्लोप निकाल। तो पांडे बोला ये कौन सा खास बात है, ये दो सर f of b minus f of a by b minus। अब उसने बोला कि अब एक काम कर, ये जो स्लोप है इस स्लोप का एक वैल्यू तो आएगा, अब तू एक काम कर, तू ये पता कर कि ऐसा इन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट करने पे जो स्लोप आए, ऐसा स्लोप मतलब ये टेंजेंट हो सकता है, इसी स्लोप का इस पूरे कर्व में कहां कहां टेंजेंट डाल सकते हैं। तो अपना पांडे चालाक था, अपना पांडे बोला कि सर ये तो बहुत सिंपल बात है, ऐसे ही पैरेलल लाइन ढूंढ लो, क्योंकि पैरेलल लाइन का तो स्लोप सेम होता है। तो मैंने क्या, पांडे ने क्या किया, यहां पे ऐसा एक लाइन बनाई, बोला ये देखो सर एक यहां बन सकता है, एक यहां बन सकता है और एक यहां बन सकता है, और कहीं नहीं बन सकता क्योंकि सब तो इसी लाइन के पैरेलल पैरेलल टाइप। तो फिर रोल ने बोला वो कहां कहां टेंजेंट बना है हमको वो x के वैल्यूज दे। तो पांडे बोला सर ये तो आपको तभी पता चलेगा जब ये सारे वैल्यूज आप खोजेंगे, x एक्सिस में यहां एक, एक यहां पे और एक यहां। अरे पांडे के साथ कहानी तो क्लियर है ना? तो पांडे ने बोला सर ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये सब वैल्यूज आपको मिल जाएंगे अगर आप क्या करेंगे। तो पांडे ने उस रोल सर को बताया कि अगर आपको ये, मैंने रोल सर को क्या चाहिए था कि ये सब x के वैल्यूज दो मुझे, वो कौन से x के वैल्यूज है जहां पे वैसा टेंजेंट बना। तो पांडे ने बोला सर बहुत सिंपल बात है, हम लोग को तो पता ही है कि fx मतलब y इक्वल टू कोई अगर एक फंक्शन हो, y इक्वल टू कोई अगर एक फंक्शन हो तो उसका dy by dx मतलब dy by dx अपने को निकालना आता है ना। और पांडे बोला कि dy by dx मतलब तो स्लोप भी होता है, और जो कि अपने को पता है कि इन दोनों पॉइंट को जॉइन करने के जो लाइन आया उस लाइन का स्लोप ये है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को जो dy by dx मिला कर्व को डिफरेंशिएट करके, और ये जो स्लोप है क्या ये दोनों स्लोप सेम होना चाहिए? अरे क्या ये दोनों स्लोप सेम होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे के सारे तो पैरेलल लाइन है, बोलो यस और नो। तो रोल सर ने बोला, पांडे ने बोला, पांडे सर अपना पांडे सर ने बोला कि सर आप एक काम करिए, अगर आपको ये सब पॉइंट्स चाहिए तो आप एक काम करिए, आप ऐसा लिखिए जो भी dy by dx आएगा, dy by dx बराबर f of b minus f of a by b minus a। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये एक x का एक्सप्रेशन आएगा और ये एक वैल्यू आएगा। तो x का एक्सप्रेशन और वैल्यू इसको सॉल्व करके x के कुछ वैल्यूज आएंगे ना, x के कुछ बहुत वैल्यूज आएंगे, ये एक वैल्यू, फिर ये एक वैल्यू है ना, ऐसे x के वैल्यूज आएंगे। और ये जो x के वैल्यूज आएंगे, ये x के वैल्यूज क्या ये a और b इंटरवल के बीच में ही कहीं होंगे? हाँ, तो वही वैल्यू तो होंगे जो आपको चाहिए, कहानी खत्म। दरअसल बात ये है हम लोग को वो x के वैल्यूज चाहिए होता है। पहले बता पूरा कहानी क्लियर है क्या? ओके ठीक, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब पांडे और रोल सर का पार्ट टू, वो भी आज ही बताएंगे। एक्चुअली जो कहानी अभी मैं बताया वो कहानी रोल सर के साथ नहीं था, वो एक दूसरा आदमी था, उनका नाम है लैग्रैंजियन थ्योरम।
तुम लोग इकोनॉमिक्स में कभी कभी शायद लैग्रेंजेस आइडेंटिटी या फिर लैग्रेंजेस का कोई फॉर्मूला पढ़ोगे, अगर टाइम एनालिसिस का कोई चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स में, इको में, तो वहां पे लैग्रेंजेस रहते हैं। खैर आओ, एक्चुअली रोल सर ने उनको क्या बोला था वो मैंने अभी जो कहानी सुनाया वो रोल सर ने नहीं बोला था, वो लैग्रेंजेस सर ने बोला। तो रोल सर ने क्या बोला था, रोल्स थ्योरम एक्चुअली अपने को ये बताता है कि अगर कि अरे टेंजेंट कहीं पे भी नहीं टान सकते, वो dy by dx के साथ वो स्लोप को अगर सेम करेगा ना तो कुछ स्पेसिफाइड x के वैल्यूज ही आएंगे। वो टेंजेंट तो वही वही टान सकते जहां पे वैसा ही पैरेलल टेंजेंट आए, वरना कहीं दूसरा जगह टान लेंगे तो स्लोप अलग ना आ जाएगा। देख इधर देख। तो रोल्स ने कहा, रोल्स सर ने एक्चुअली रोल्स सर को क्या खोजने का मन था, पांडे तो था नहीं ना उनके पास, रोल सर को खोजने का मन था कि अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, क्या है फंक्शन है, जो फंक्शन का ये कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को मैं बोलता हूं मान के चलो x इक्वल टू ए और इसको बोला x इक्वल टू बी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x कॉमा सॉरी a कॉमा f ऑफ a, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा b कॉमा f ऑफ b। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, हाँ एक्चुअली उन्होंने क्या किया, ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका f ऑफ a और f ऑफ b रोल सर ने दोनों सेम ले लिए, क्योंकि पहले रोल थ्योरम इन्वेंट हुआ था, बाद में लैग्रेंजेस थ्योरम आई। तो आप समझो कि f ऑफ a और f ऑफ b रोल सर ने सेम ले लिया, ठीक है, तो सेम ले लिया। तुम थोड़ा ध्यान से सोचो कि f ऑफ a और f ऑफ b सर आप सेम लोगे तो सर वो लाइन तो आपका x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, तो उसका स्लोप क्या आएगा, आप ही सोचो ना, f ऑफ a और f ऑफ b को अगर सेम ले लोगे तो ये लाइन का स्लोप तो जीरो आ जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर आप y2 minus y1 का टेक्निक लगाते हैं, by x2 minus x1 का टेक्निक लगाते हैं, जिसमें से f ऑफ b minus f ऑफ a by b minus a को सोचते हैं, लेकिन आपका f ऑफ a और f ऑफ b तो सेम है, जिसका मतलब स्लोप कितना है, स्लोप तो जीरो है। हाँ, रोल सर को यही खोजना था कि अगर मैं दोनों का y सेम लू तो जो लाइन बनेगा वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। अब सर को खोजना था कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स इस कर्व में है जहां पे अगर टेंजेंट डालो तो वो भी x एक्सिस के पैरेलल होते। सर यहां 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 यहां, बोलो क्लियर है क्या। तो अगर ये चीज अपने को परफॉर्म करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को तो करना पड़ेगा सर जो भी आपका fx दिया होगा, जो भी y equal to fx दिया होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको dy by dx निकालना पड़ेगा और उसको जीरो से इक्वेट कर देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का भी तो स्लोप जीरो है, तो उसको dy by dx equal to zero करना पड़ेगा, और dy by dx equal to zero करने के बाद x के कुछ वैल्यूज आएंगे, वो वैल्यूज किस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे, a कॉमा b के बीच। ब्रैकेट देखना, तुम्हें ब्रैकेट का मीनिंग समझ में आना चाहिए, ये मतलब a और b इंक्लूडेड है ना, तो इसके बीच में लाई करना चाहिए। बोलो यहां तक कहानी क्लियर है क्या, अब रोल सर के सामने आया एक बड़ा समस्या, क्या समस्या, सर हम लोग कोई भी फंक्शन को उठा के काम कर सकते हैं क्या, रोल सर के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, सर हम लोग कोई भी फंक्शन को उठा के काम कर सकते हैं क्या, अरे मतलब कुछ भी जो मर्जी है ले लो। तो फिर उनको धीरे धीरे पता चला
नहीं, कोई भी फंक्शन को लेके काम नहीं कर सकते। अब सोचो ऐसा एक फंक्शन बीच में, यहां से यहां के बीच में ऐसा एक फंक्शन आ गया जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो तो टूटा हुआ है ना भाई। अगर वो फंक्शन टूटा फूटा फंक्शन है तो उस जगह पे हम लोग स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? तो जांच पड़ताल ही नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे दावा ठोक के बोल सकते कि वहां पे जीरो होगा कि नहीं होगा? मतलब वो डिटरमाइनेबल एरिया नहीं है ना। तो मतलब ऐसा फंक्शन लेना है जो यहां से यहां के बीच में कंटिन्यूअस हो। अरे भद्रो फंक्शन लेना है भाई, टेन एक्स, साला हर पाई बाई टू पे टूटा हुआ है, टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे टूटा हुआ है, ऐसा ले सकते हैं क्या? तो पता चला फिर पाई बाई टू पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। कुछ लोग बोले डी बाई डी इक्वल टू जीरो होगा, कुछ लोग बोले नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, साला वहां पे अनडिफाइंड है, ऐसा ले सकते हैं क्या? ऐसा नहीं ले सकते। ये एक चुनौती उनके सामने आई है। अच्छा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर एक चालाक व्यक्ति ने बोला, सर रुकिए, अरे सर मॉड एक्स भी नहीं ले सकते? पता चला मैंने ऐसा फंक्शन ले लिया यहां से यहां के बीच में, यहां से ऐसे ऐसे, या फिर सिंपल, अरे तुम लोग को साइन स्क्वायर एक्स बनाने आता है ना? उन्होंने बोला कि अरे सर साइन स्क्वायर एक्स सोच लीजिए, याद है? देखो ये सब शार्प पेजेस है, कई लोग तो यहां पे झगड़ा कर लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे ये देखिए सर यहां पे एक टेंजेंट टाने, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल है, मतलब ये पॉइंट लेंगे। कई लोग बोला कि नहीं सर ये देखिए, किसने बोला नहीं सर ये देखिए। अरे एक्चुअली होता क्या है, जहां पे शार्प एज होता है वहां से एक से ज्यादा टेंजेंट टान सकते हैं। शार्प एजेस में आप सोच के देखना, एक से ज्यादा टेंजेंट हम लोग टान सकते हैं। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट आ सकते हैं तो मतलब वहां पे एक ही पॉइंट पे मल्टीपल डी बाई डी एक्स के वैल्यू जाएंगे, विच विल अगेन नॉट बी डिटरमाइनेबल, इजंट इट? तो उन्होंने बोला, वो चालाक व्यक्ति उनको सुझाव दिया कि सर ऐसा भी फंक्शन मत उठाइए जो डिफरेंशिएबल ना हो। और तुम लोग को तो पता है वो चालाक व्यक्ति मैं, मैंने बोला था सर, है ना, इधर ध्यान दो। खैर तो रोल सर ने सोचा कि अच्छा मतलब ऐसा कुछ फंक्शन लेके काम करना पड़ेगा जो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो और कंटिन्यूअस भी हो। तो क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा, आओ देखते हैं। पॉइंट नंबर वन, द एफएक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस। बोलो यस और नो। इन द इंटरवल इन ए कॉमा बी, ब्रैकेट देख लेना रे। दूसरा उन्होंने बोला, एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी, ब्रैकेट देख लेना रे। और मेरे को पूछना सर ब्रैकेट में भेदभाव क्यों? तीसरा क्राइटेरिया उन्होंने क्या रखा भाई साहब, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अरे तुम लोग सोचो, अकल लगाओ, ये क्राइटेरिया जरूरी है ना? अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तभी तो स्लोप जीरो होगा और तभी तो हम डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो बोल पाएंगे, है कि नहीं? तो ये तीन पॉइंट क्लियर है क्या? ये तीन पॉइंट क्लियर है क्या? रोल्स ने बोला कि कंटिन्यूअस होना पड़ेगा फंक्शन, तभी हम लोग जो भी हम लोग निकालना चाहे निकाल सकते हैं। रोल्स सर ने बोला कि डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा तभी हम लोग कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा भी बोला कि f(a) = f(b) होगा तभी तो हम लोग जीरो से इक्वेट कर पाएंगे, है ना? तो उनका कहना था ये तीन पॉइंट अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है देन हम लोग बोलेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम। अमन तेरा आंसर दे रहा हूं, तेरा क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, ऐसा बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद का प्रोसीड्यूर क्या है? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। अरे तुम लोग को ये तो पता है ना कि डिफरेंशिएशन का ये भी एक सिंबल होता है एफ डैश एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन को हम लोग को डी बाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स रहेगा अपने पास, उसके बाद क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इक्वल्स टू कुछ निकलेगा, उसके बाद क्या करेंगे दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे, देन देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू
कुछ वैल्यूज आएंगे अपने पास, इन द इंटरवल, और वो वैल्यू किसमें लाई करेगा, इन द इंटरवल ए कॉमा बी। देयरफॉर उसके बाद हम लोग बोलेंगे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद हम लोग बोलेंगे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। सो ये पॉइंट था रोल्स थ्योरम का। बोलो पूरा 100% क्लैरिटी है क्या रोल्स थ्योरम के ऊपर? पूरा मैंने तुम्हें एक एक क्या बोलता है तुम्हें, मैंने एक पूरा स्कीमेटिक डायग्राम दे दिया कि किसके बाद क्या करना है। बोलो क्लियर है क्या? ओके, अब एक और बंदा था, पहले भी कहानी सुनते थे, कहानी सुनते थे। एक और बंदा था जिसका नाम था लैग्रेंजिस, जो पांडे के साथ बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, तो लैग्रेंजिस सर ने बोला कि रोल्स थ्योरम का जो भी पिलर है, रोल्स थ्योरम का जो भी एस्पेक्ट है, वो गलत नहीं है, वो सही है, बट वो लिमिटेड है ना, मतलब वो सिर्फ जीरो से इक्वेट करते हैं, मतलब इट्स नॉट, आई मीन यू नो टू से दैट वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है ना, यूजर फ्रेंडली, मतलब हर बार हमको जीरो से मजबूर रहना पड़ेगा। मतलब उनका इशारा ये था कि हर बार हमको जीरो से इक्वेट करना पड़े ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना, मेरा तो अपना खुद का भी एक स्लोप हो सकता है, जो मर्जी आए। मान लो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे यहाँ पे खत्म हुआ, सुनना पड़ेगा इसमें, ऐसे यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया अपना एफ ए कॉमा एफ ऑफ ए, और ये हो जाएगा बी कॉमा एफ ऑफ बी, है ना। अब सोच, उनका कहना है कि लैग्रेंजिस का कहना है कि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आएगा और उस लाइन का भी एक स्लोप आएगा, और वैसा पैरेलल टेंजेंट कहाँ होगा, एक यहाँ 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 यहाँ, है ना। सो आई नीड दोस वैल्यूज ऑफ एक्स, आई नीड दीज वैल्यूज ऑफ एक्स, दीज वैल्यूज, है ना। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल रोल्स थ्योरम में थोड़ा सा एडिट मारना है भाई। रोल्स थ्योरम डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, वो नहीं करके डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू ये स्लोप तो करेंगे, माने जो स्लोप तो होगा। बोलो क्लियर है क्या? बेसिक चेंज क्लियर है क्या? डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू जीरो करते हैं ना रोल्स थ्योरम में, यहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू स्लोप करेंगे, और स्लोप क्या होगा, जो होगा वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो? ये बेसिक चेंज है बस, बाकी सब डिट्टो रोल्स थ्योरम जैसा। तो चलो देखते हैं लैग्रेंजिस थ्योरम ने क्या बोला। लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, हेडिंग लगा देते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये अपने को क्या कहता है? अच्छा, तो इनके हिस्से में भी वो सब बातें तो नहीं करना पड़ेगा मेरे को कि लैग्रेंजेस बोले थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अरे भाई वो तो होना ही चाहिए, वरना स्लोप में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बेसिक एटिकेट्स है, उसको उसके लिए बातचीत करना पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है भाई, हेडिंग तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हेडिंग भी चाहिए, एडिट हो इधर लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं मैं, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। ओके ओके, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये सब हम नीडलेस टू से, दीज आर समथिंग व्हिच इज नीडलेस टू से, कि सैटिस्फाई करने के लिए पहले तो कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, डिफरेंशियल होना पड़ेगा, अरे वो तो होना ही पड़ेगा भाई, वो सब तो बेसिक है, मतलब ये दोनों पॉइंट इनके लिए भी क्लियर है ना। अच्छा,
तीसरा कोई पॉइंट होगा क्या f of a equal to f of b? नहीं, वो तो तब होता है जब स्लोप इक्वल टू जीरो होता है। रोल्स थ्योरम कहता है कि इक्वल टू जीरो वाला केस, बट लैग्रैन्जियन तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो इनके हिस्से में दो ही पॉइंट भैया, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। अगर ये दोनों पॉइंट हो गया देयरफॉर हम लोग बोलेंगे LMBT इज सैटिस्फाइड, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे दैट f डैश x equals to f of b minus f of a upon b minus a। इसको सॉल्व करेंगे देयरफॉर x equals to कुछ वैल्यूज भी लेंगे, फिर से वही सेम का बिट तो कोई चेंज नहीं। सो x equals to these values dot 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 belongs to a comma b, है ना। therefore लिखेंगे LMBT is verified, ऐसा लिखेंगे LMBT is verified। बोलो क्लियर है क्या, दोनों थ्योरम का फॉर्मेट 100% क्लियर है क्या, किसमें क्या करना होता है? देखो रोल्स थ्योरम अपने को क्या सिखाता है, कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, f of a equal to f of b होगा, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, इसका वैल्यू जाएगा और इसका वैल्यू जाएगा इंटरवल के बीच में a comma b। अगर आ गया तो आप उसका बोलेंगे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। LMBT में क्या करते हैं, कंटीन्यूअस करते हैं, डिफरेंशिएबल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उसका d by dx equal to f of b minus a comma b by b minus a, स्लोप के साथ इक्वेट करेंगे, इसके वैल्यू जाएंगे और इसके वैल्यू वापस a comma b में ही गिरेंगे और हम लोग बोलेंगे LMBT इज वेरीफाइड। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चुप रहे आयुष। अच्छा सुनो, अभी असली चर्चा तो अभी शुरू होगा, ठीक है, असली चर्चा भी शुरू होगा। पहली बात, ये बहुत इजी चीज है, ये सवाल में मतलब इस पूरे चैप्टर में बोलो, ये पूरे टॉपिक में बोलो, तुमको क्या टफ कर सकता है, तुम्हारे लिए वो क्या सवाल को क्या टफ कर सकता है? अरे एक ही चीज टफ कर सकता है, एक्चुअली दो चीज टफ कर सकता है भाई। फंक्शन गंदा देगा, गंदा फंक्शन देगा, जाके उसका डीवाई बाई डीएक्स मारने में मुश्किल हो, लेकिन वो तो नहीं दे सकता ना, वो नहीं दे सकता। तुम लोग कौन कौन सा डीवाई बाई डीएक्स मार के आए हो, बाप रे बाप, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तक पहुंच गए, अब एक फर्स्ट ऑर्डर डीवाई बाई डीएक्स मारना कोई बड़ी बात? मतलब डीवाई बाई डीएक्स से हट हो ही नहीं सकता, तो कहां से हट करेगा? हाँ, फंक्शन ऐसा उठा सकता है कि साला उसको कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल प्रूफ करते करते मेरा पसीना छूट गया, ये कर सकता है। फंक्शन इतना गंदा दे सकता है कि उसको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएट करते करते मेरा पसीना छूट जाए। अच्छा और एक बात याद है, तुम लोगों को कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ाया था तो बोला था कि एक पॉइंट चेकिंग होता है और एक इंटरवल चेकिंग होता है, होता है ना, पॉइंट चेकिंग और इंटरवल चेकिंग। पॉइंट चेकिंग में एट एक्स इक्वल टू ए निकालो, एल एच एल निकालो, आर एच एल निकालो और एफ ऑफ ए निकालो, तीनों सेम हो गया तो कंटिन्यूअस, बोला था ना। और डिफरेंशिएबिलिटी में बोला था कि एल एच डी निकालो, आर एच डी निकालो, सेम हो गया तो डिफरेंशिएबल। याद है कि भूल गया? अच्छा ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं भी कराया हो तो दिक्कत नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी अगर नहीं भी कराया हो तुम लोगों को तो वो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के चलते इधर दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग सोचोगे सर हम लोग तो प्रूफ कैसे करें, एक्चुअली कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट वाला पार्ट याद है, इंटरवल चेकिंग जिसमें आपको स्टेटमेंट से काम करना पड़ता था। जैसे मैं बोला कि साइन एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, कॉस एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये एक्स इक्वल y इक्वल टू x इज आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, बोलो याद है या भूल गया, fog इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, f of gx fog gof कंपोजिट फंक्शन उसके लिए बोलना पड़ता है, fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस अलग से, gx इज अ फंक्शन व्हिच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, देन दैट कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। याद है या भूल गया तुम लोग ये सब? सर बहुत अच्छा लगा क्या बोले यार, लेकिन सब ऊपर से निकल गया।
तुम्हें याद तो है ना? नहीं याद है, नहीं याद है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, खैर तुम्हें याद है वो स्टेटमेंट वगैरह है ना। रोहित याद है ना स्टेटमेंट वाला? तो हम लोग को इधर जो है, हम लोग को स्टेटमेंट के थ्रू करना होगा, तो चिंता मत करो चिरंतन, तुम लोग स्टेटमेंट उतना टफ नहीं देगा। मैं बस डरा रहा था। अरे थोड़ा थोड़ा अगर बोल रहा है तो भाई कॉपी देख के एक बार कर लेना, यही तो दिक्कत वाली बात है। एक चैप्टर से निकलते हो दूसरा चैप्टर भूल जाते हो तो फिर दिक्कत खा जाओगे। अगर तुम्हें कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट वाला पार्ट याद नहीं तो इसमें बहुत दिक्कत होगा, और अगर तुम्हें स्टेटमेंट वाला पार्ट अच्छे से याद है तो ये 15 मिनट समझ में आया। जब कंटिन्यूटी पढ़ा था तब बोला था कि अगर तुम्हें लिमिट याद है तो चैप्टर 10 मिनट, और लिमिट याद नहीं है तो चैप्टर हिलेगा नहीं, जाओ पहले लिमिट करके आओ। याद है जब लिमिट पढ़ा रहा था 11 में बोला था अगर तुम लोगों को मल्टीपल सब मल्टीपल क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री तो लिमिट 10 मिनट, और नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री के भाई साहब जहां जहां बोलता हूँ वो सब इंटरलिंक्ड है। अभी ये भी बता दे रहा हूँ, जो लोग ने डिफरेंसिएशन लाइटली लिया है सबका इंटीग्रेशन में बचेगा, और तब बोलूंगा जिनका जिनका डिफरेंसिएशन क्लियर है वो लोग के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली, और जिनका नहीं है जाओ डिफरेंशिएशन करते हो। तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, एक बार में पूरा मैथ्स ले डूबूंगा, सारा कॉपी खोल के सब कोई कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट वाला पार्ट देखेगा, यस और नो सब कोई देखेगा, याद करेगा कि क्या था। जरूरत पड़े तो एक आध को सवाल बना लो, रिवाइज कर लो। इसीलिए तो तुम लोगों का ये परफॉर्मेंस हो जाता है, एक चैप्टर से निकलते हो दूसरा चैप्टर में भूल जाते हो। इसीलिए बोलते प्रैक्टिस किया करोगे नहीं। खैर मेरे को क्या है, मैं होमवर्क देता हूँ रेगुलर बेसिस पे, डाउट सुन रहा हूँ ऑनलाइन हो या जो भी, लेकिन तुम लोग को कुछ होश ही नहीं है। खैर चलो ओके, सो मीन वैल्यू थ्योरम। अलका एक बार मीन वैल्यू थ्योरम का एक्सरसाइज 15.1 भेज जल्दी, 15.1 भेज, मैं मुंह में ही डिस्कस कर दूंगा है ना, मुंह में ही डिस्कस कर दूंगा। या फिर क्या बोलते हो, एक सवाल लिख के दिखाए क्या? एक सवाल लिख के दिखाते हैं, नहीं एक को लिख के दिखाना चाहिए। कौन सा दिखाए? अच्छा हाँ एक काम करते हैं, ये वाला दिखाते हैं, 3 का 15 नंबर है ना, 3 का 15 नंबर। सब पार्ट 3 का, हाँ ठीक है लिख के दिखा रहा हूं। देख लिखा है fx=4 to the power sin x एट 0, पाई। fx=4 to the power sin x एट 0, पाई। सबसे पहले अपने को कंटिन्यूटी प्रूव करना है इसका। बताओ ये फंक्शन क्या एवरीवेयर कंटिन्यूअस है? आ जाओ कैसे करेंगे, देखो लेट hx=4 to the power x एंड लेट tx=sin x। नाउ hx=4 to the power x is an exponential function which is everywhere continuous, ठीक है? tx=sin x is also everywhere continuous. Okay, so what about composite function?
एच ऑफ टी एक्स मतलब टी एक्स को जाके एक्स के अंदर में रखती है, तो मेरे को 4 टू दी पावर साइन एक्स मिल रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं एच ओ टी एक्स हॉट, आई मीन एच ओ टी एक्स, तो 4 टू दी पावर साइन एक्स इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, ये पूरा का पूरा इतना सारा सेम स्टेटमेंट डिफरेंशिएबल के लिए भी लिखना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग को ये वाला स्टेटमेंट फिर से डिफरेंशिएबल के लिए लिखना पड़ेगा। फॉर डिफरेंशिएबल, ये वाला स्टेटमेंट भी फॉर डिफरेंशिएबल लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इसी तरीके से लिखना पड़ेगा कि इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन सो इट इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो मैं वो खाली डायरेक्ट लिख रहा हूं, देयरफॉर एच एक्स, या फिर एक काम कर सकते हो, जानते हो एक शॉर्ट में काम कर सकते हो, यहां पे ना तुम लोग एक काम करो, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड, तो एक ही बार में दो काम हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एंड, क्योंकि उसका भी स्टेटमेंट दोनों चैप्टर का स्टेटमेंट एकदम सेम है, डिटो सेम, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड डिफरेंशिएबल एंड बोलो क्लियर एंड डिफरेंशिएबल। ओके, सो पहला स्टेटमेंट, अब जब ये हो गया उसके बाद स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट वन, so therefore fx equals to 4 to the power sin x is continuous, क्योंकि ये स्टेटमेंट एकदम एथिक्स के साथ लिखना पड़ता है, ऊपर लिख दिए और छोड़ दिए ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको 100% fx equals to 4 to the power sin x is continuous in the interval ब्रैकेट में 0.5। अच्छा, फिर क्या लिखना है, देयरफॉर fx इक्वल्स टू 4 टू द पावर sin x इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल, ब्रैकेट देख लेना है 0.5, उसके बाद लिखना पड़ेगा f ऑफ a, a का वैल्यू क्या है 0 और b का वैल्यू पाई, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, sin 0 0 4 टू द पावर 0 1 sin 0 माने 1, और f ऑफ b कितना होगा, f ऑफ पाई वो भी तो साइन पाई 0 होता है, 4 टू द पावर साइन पाई, जिसका मतलब भी 1 होता है, देयरफॉर तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई, f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ पाई, ये तीनों पॉइंट जब सेटिस्फाइड हुआ उसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम is satisfied। Okay, ऊपर वाला का मिटा देगा चिरंतन, थोड़ा ऊपर वाला इधर चले, या फिर एक फोटो भेज देता हूं। अच्छा, तो जो कि फोटो भेज दिया तो पूरा मिटा देता हूं, फोटो देख लेते हैं। Thank you.
अच्छा अब वहां पे सेटिस्फाइड हो गया, आगे का क्या करना होता है? अब जब फंक्शन सेटिस्फाइड हो गया आपका, सो एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या है 4 टू द पावर साइन एक्स, बता इसका डेरिवेटिव मार सकते हैं क्या? व्हाट अबाउट एफ डैश टू? अरे चेन रूल चलेगा, देखो 4 टू द पावर साइन एक्स इनटू लॉग 4, अरे ए टू द पावर टी चलेगा ना, ए टू द पावर टी इनटू लॉग 4 इनटू कॉस एक्स। देख गलत तो नहीं लिखा, अब क्या करेंगे? Now, f dash x equal to 0 as promised. So, 4 to the power sin x into log 4 into cos x equal to 0, है ना? देख ये वाला पूरा टर्म को इधर देख सकते हैं, log 4 भी इधर देख सकते हैं। तो बताओ cos x equal to 0 मतलब क्या लिख सकता हूँ? x equal to pi by 2, अरे cos x 0 का होगा, cos 90 पे ना, देख x equal to pi by 2, therefore क्या लिखा जाएगा? x equal to pi by 2 belongs to 0 comma pi, therefore Rolle's theorem is verified. बोलो clear है क्या? अरे 100% clear है क्या? Rolle's theorem is verified. ये ले दूसरा फोटो जा रहा है। और ना पूछते बच्चीस आयोस, जो बोला था जो समझाया वही लिखा ना, कुछ अलग तो नहीं लिखा, जो बताया वही लिखा। लिखने का तरीका समझ में आया आपका? सीबीएसई बोर्ड में इतना एक्सप्रेसिव होके लिखेगा तो यार बाउंड टू गेट अबव 95। इतना एक्सप्रेसिव होके मैं पहले ही बता देता हूँ, इतना एक्सप्रेसिव होके आपका स्कूल वाला भी आपको नहीं बोलेगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपका स्कूल वाला, आप स्कूल का कॉपी में लिखो तो आपका स्कूल वाला बोलेगा की दौर का है तो लिखा, यही भावे लिखो ना, वही भावे लिखो, यही भावे लिखो। मैं तेरे को वो बता रहा हूँ जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से मैंने अपने मेरे यहाँ के जो टॉपर्स है, जो लोग मेरे को फीडबैक देते हैं कि हाँ सर आपका लिखा है, वो लिखते हैं तो ऐसा मार्क्स आता है, तो वो मेरा पर्सनल ग्राउंड है, वो जो मैं उनको बोला उनका फीडबैक से मैं बोल रहा हूँ, पहला बात। दूसरा बात है कि मैं देखता हूँ, जो आप लोग भी जानते होंगे एग्जाम के समय एग्जाम आइडिया टुगेदर विथ वो सब जो देखना ना, कभी टॉपर्स कॉपी सामने होता है, जो सैंपल एक कॉपी देता है, जो लोग लास्ट ईयर के टॉपर्स होते हैं उनका सैंपल आंसर शीट दिया जाता है, तो टॉपर्स कॉपी चेक करता हूँ मैं, वहां पे इस तरह से लिखते हुए देखा। सो मैं बोला अब आगे तुम्हारी मर्जी, देखो क्योंकि तुम लोग भी इतना दिन से समझ चुके हो स्कूल का मार्क्स सब बकवास है, इट्स बुलशिट, उसे कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस है, सब टाइम पास है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम पे चिल्ला के थक चुके हैं, स्कूल वाला टीचर भी कंप्लेन करके थक चुका है, तुम अपने आप से थक चुके हो। दैट्स सो अभी एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, भाड़ में जाए स्कूल, भाड़ में जाए स्कूल का एग्जाम, कुछ भी सीबीएसई बोर्ड के लिए लड़ो, वो जो मार्कशीट है ना, एक बात याद रखना, उस मार्कशीट में जो लिखा गया वो फाइनल है। तुझे बहुत मैथ्स आता है, ये बात तो सबको ही बढ़िया से सुन, तुझे बहुत मैथ्स आता है, तुझे मिला 70, ये सोसाइटी तुम्हें बोलेगा ओ 70 मिला ठीक है जानते। अगर मान ले तुझे कुछ नहीं आता, रट रूट के झाप झूट के किस्मत साथ देके सब जो प्रैक्टिस किया थोड़ा बहुत वही कॉमन फंस गया, तुझे मिल गया 90+, कितना मिला? 90 मिला है, अरे बाप रे, एक कॉमन परसेप्शन बस स्टूडेंट की। सो इट्स फैक्ट, सोसाइटी सिर्फ मार्क्स देखती है भैया, वो मार्क्स कैसे आया कोई पूछे आज तक तुम्हें? तुम खाली एक बार मेरा बात सुन ले, तू खाली एक बार 90 ले आ, कोई पूछेगा बेटा चोरी तो नहीं किया था ना, बेटा कॉमन फंसा था क्या, बेटा लक साथ दिया क्या? नहीं, 90 होता है, उसके लिए कुछ नहीं पूछते। बोल गलत बोला क्या, गलत बोला क्या? नाइन्टी होता है सर, खैर चलो एक बार सबको ही अपना मोबाइल स्क्रीन पे देखो, जो क्वेश्चन अलका भेजी सबको एक बार भेजो, देखो सब सबको प्लीज एक बार सब क्वेश्चंस देखो प्लीज जो अलका भेजी है, चलो डिस्कशन हो जाए। चिरंतन एक बार स्क्रीन में क्वेश्चन पेपर देख ले बाबू,
देखो तो क्वेश्चन नंबर वन का कुछ पार्ट्स, सॉरी वन का बोल रहे, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर टू बढ़िया से देखना, तो क्वेश्चन नंबर टू का सारा सब हो जाएगा क्या, मैं डिस्कस कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर टू, टू का वन टू थ्री, देखो हमको पता है क्वेश्चन नंबर टू का जितने भी सारे सब पार्ट्स है सबका डिफरेंशिएशन तुम लोग मार सकते हो, माने एफ डैश एक्स तो तुम लोग के हाथ में है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सारे टू के जो सब पार्ट्स है उनका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी लिख सकते हो क्या, क्वेश्चन नंबर टू का सारे सब पार्ट्स, टू का वन से लेके एट तक, पहला वाला पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस खत्म, दूसरा वाला पॉलिनोमियल फंक्शन, तीसरा वाला भी पॉलिनोमियल फंक्शन, चौथा पांचवा छठा सब पॉलिनोमियल है, पार हो गया तीन नंबर, बोलो यस और नो। क्वेश्चन नंबर थ्री पे पहुंच गए, देखो जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री का वन cos of 2 into x minus pi by 4 क्या कहते हो, trigonometric cos function is everywhere continuous differentiable par, question number 2 sin 2x everywhere continuous, question number 3 cos 2x everywhere continuous, question number 4 fx equals to e to the power x into sin x, बोलो e to the power x अलग एक function लो everywhere continuous, hx ले ले और tx ले ले e to the power x which is also everywhere continuous and the product of the two function is also everywhere continuous, yes or no, ओके पार, चार नंबर, पांच नंबर भी प्रोडक्ट है, छह नंबर तो सीधा कॉस है, सात नंबर पे आते हैं, सात नंबर थोड़ा बाद में देखते हैं, आठ नंबर देखो साइन थ्री एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस, नौ नंबर भी आसान है, एक एच एक्स ले ले वन माइनस एक्स स्क्वायर विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, नौ नंबर डिस्कस कर रहा हूं, एच एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी एक्स it is everywhere continuous and the composite hot lagaya to e to the power 1 minus x square is a composite function which is everywhere continuous, bolo yes or no, okay, uske baad 10 number log function is continuous in its domain, uska domain nikal do, uska domain minus 1 ke andar hi aayega, therefore it is continuous in its domain, bolo question number 10 ho gaya na, 11 number sin x plus cos x addition of two continuous is again a continuous, sin x plus cos x clear, 12 number addition of two continuous is again a continuous, 13 number subtraction of two continuous is a continuous, yahan pe x by 2 ek polynomial hoga aur sin pi x by 6 ek trigonometric function hoga, ye ek function pakadna wo ek function pakadna dono ka subtraction is again a continuous, yes or no, 14 number same kahani ek polynomial dusra trigonometry एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन है, अच्छा 15 नंबर अभी हम लोग किए बोर्ड में वो भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, 16 नंबर पॉलिनोमियल, 17 नंबर ट्रिग्नोमेट्री, 18 नंबर सब्ट्रैक्शन, अरे क्लियर है क्या पूरा स्टेटमेंट ही तो क्लियर है सारा, अब घूम के आते सात नंबर पे ऐसा क्या खास बात है सर, सात नंबर पे खास बात ये है कि सात नंबर पे दो फंक्शन है, एक एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लो, एक टी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ले लो, तुम्हें पता है क्या एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, टी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एंड द डिविजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट एवरीवेयर कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, उसका डोमेन निकाल के दिखा दो, तुम्हें डोमेन निकालना तो आता है ना, अच्छा कही होगा आप डोमेन निकाला सर, डोमेन डोमेन ई का होता है, अबे ऐसे मत करो यार, डोमेन आना चाहिए तुम्हें, अरे आया क्या समझ में, हाँ ना कुछ तो बोलिए सर जी, ओके तो मेरे को ऐसा है कि आज सिर्फ यही एक्सरसाइज तो होमवर्क देंगे, लैग्रेंजेस वाला होमवर्क नहीं देंगे आज को, हालांकि उसको पढ़ाए हैं, लैग्रेंजेस वाला होमवर्क नहीं देंगे आज, सिर्फ ये एक्सरसाइज होमवर्क देंगे, 8, 9, 10, 11 सब तुम लोग ट्राई करोगे, ओके अच्छा अब सुनो बात, स्पेशल होमवर्क एक दूंगा, स्पेशल होमवर्क मतलब नंबर लिखो क्वेश्चन नंबर थ्री का सेवन, जो जो बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर थ्री का सेवन,
मैं लिख देता हूं बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 का 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 का 13, और क्वेश्चन नंबर 8 का 2। ऐसे तो सब सब तुम लोग होमवर्क करोगे ही, लेकिन ये चार क्वेश्चन का मैं स्टेटमेंट देखना चाहता हूं कि तुम लोग क्या लिखे हो। यू विल गिव मी द पीडीएफ ऑफ व्हाट एवर द होमवर्क यू आर डूइंग। पूरा होमवर्क का पीडीएफ नहीं चाहिए, होमवर्क तुम लोग करोगे, लेकिन ये चार सवाल तुम लोग स्टेटमेंट वाइज पूरा बढ़िया से लिखने के बाद मुझे टेक्स्ट करोगे पर्सनली कि सर ये देखिए मैंने किया सही है कि नहीं। देखिए मैं पर्सनली देखना चाहता हूं ये चार सवाल। इज इट, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके ठीक है, जाओ छुट्टी, बाय बाय बाय।